निशांत कुमार यादव ने सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि कोरोना को लेकर करनाल के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब तक इस बीमारी का कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया है, लेकिन पूरी दुनिया में फैल चुकी है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हालांकि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, लेकिन नागरिकों की ओर से भी सहयोग आवश्यक है, जिसमें जरूरी है कि वे किसी भी व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण पाए जाने पर उसकी सूचना जिला अस्पताल के हेल्पलाइन नंबर 108 पर या ट्रामा सेंटर के नंबर पर अवश्य दे, ताकि ऐसे व्यक्ति को आइसोलेटेड करके उसकी जाँच की जा सके। उपायुक्त ने बताया कि करनाल में कुछ दिन पहले 6 संदिग्ध केस मिले थे, उनमें से 5 के सैंपल लेकर जांच कराई गई थी, सभी की नेगेटिव रिपोर्ट मिली है। एक व्यक्ति का रविवार को सैंपल भेजा है, उसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। इसी प्रकार ट्रेवल हिस्ट्री यानी ऐसे व्यक्ति जो विदेश से यात्रा कर यहाँ आए थे, 17 थे, उनको निगरानी में रखा है, लेकिन उनमें अभी तक इस बीमारी के लक्षण नहीं मिले हैं। SDM करनाल नरेंद्र पाल मलिक को शहर में मेडिकल स्टोर की दुकानों पर सैनिटाइजर, मेडिसिन और मास्क को चेक करने की जिम्मेदारी दी गई है। यदि कोई फार्मासिस्ट अपने पास इन चीजों का स्टॉक रखता है या ब्लैक मार्केटिंग करता है अथवा MRP से ज्यादा रेट में बेचता है, तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी और स्टोर को सील भी कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त SDM इंद्री सुमित सिहा को इस बीमारी से बचाव के उपाय यानी क्या करे क्या ना करे जैसी जरूरी हिदायतें के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी गई है, जो जिले में आम लोगों की जानकारी के लिए होर्डिंग बैनर लगवाएंगे। उन्होंने बताया कि जिले में ऐसे सभी औद्योगिक संस्थान जहां 200 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं, वे 31 मार्च तक बंद रहेंगे, अन्यथा शिफ्टों में काम लिया जाएगा। कोचिंग सेंटर में भी 100 से ज्यादा बच्चों को रखने की इजाजत नहीं है। ऐसे आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए SDM घरोंडा गौरव कुमार को नोडल बनाया गया है। नगराधीश करनाल को सरकारी कार्यालयों, विशेषकर सरल केंद्र जैसी जगह जहां पर ज्यादा पब्लिक का आगमन रहता है, वहां साफ सफाई सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी दी गई है। HSVP की संपदा अधिकारी अनुपमा सांगवान को जिला में जिम, मॉल, स्विमिंग पूल और मूवी इत्यादि बंद रखवाने की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि ऐसी जगहों में भी किसी संक्रमित व्यक्ति से बीमारी दूसरे व्यक्तियों को लग सकती है। उन्होंने बताया कि सभी स्कूल व कॉलेज आगामी 31 मार्च तक बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त 200 से ज्यादा व्यक्तियों के लिए एक जगह पर इकट्ठे होने की अनुमति नहीं है। उपायुक्त ने पत्रकारों को बताया कि बहुत ही जल्द एक पोर्टल डेवलप कर रहे हैं। सिंगल विंडो पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति कोरोना से संबंधित जानकारी डाल सकता है। पोर्टल पर सरकार या प्रशासन के आदेशों की अवहेलना की तो शिकायत की जा सकती है। इसके 24 घंटे में मॉनिटरिंग रहेगी। इसके अतिरिक्त एक कंट्रोल रूम भी बना रहे हैं, जिसमें लैंडलाइन और मोबाइल की सुविधा रहेगी, इसकी भी 24 घंटे मॉनिटरिंग रहेगी। एहतियात के तौर पर बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर थर्मल सेंसर की व्यवस्था की जा रही है, जो इन जगहों पर आने जाने वाले व्यक्तियों जिनको बुखार या उच्च तापमान हो को चेक करके तुरंत अस्पताल में भिजवाएंगे। वो जो कोरोना वायरस का जो आउटब्रेक हो रहा है उसके संदर्भ में था, मुझे लगा कि जरूर हमारे जो करनाल जिले के नागरिक हैं उनके पास आप लोगों के जरिए मैसेज दिया जाए कि जिला प्रशासन की तरफ से क्या क्या तैयारियां हैं, और कुछ कुछ तैयारियों में हमें नागरिकों की मदद की भी आवश्यकता है, तो वो भी आपके जरिए हम उनको तक पहुंचाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं फैक्ट्स पे बात करूं, करनाल जिले में टोटल 6 सस्पेक्टेड केसेस हमारे पास आए थे, जिनके हमने सैंपल भेजे हैं लैब में। 5 के सैंपल नेगेटिव आ चुके हैं, यानी उनको कोरोना वायरस इन्फेक्शन नहीं है। एक का सैंपल कल ही भेजा है, और सैंपल की रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन लगते हैं, तो उसकी रिपोर्ट कल या परसों हमारे पास आएगी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अभी तक कोई भी एक भी इन्फेक्टेड पर्सन कोरोना वायरस से हमारे जिले में नहीं मिला है। साथ ही कुछ लोग जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री रही है, जिन्होंने विदेश में या बाकी ऐसी जगह पर ट्रेवल किया है जहाँ इन्फेक्शन का वायरस का आउटब्रेक ज्यादा था, तो उन ऐसे 17 लोगों को हमने ऑब्जर्वेशन पे रखा हुआ है। उन पे नजर रखी जा रही है कि उनमें कोरोना वायरस के कोविड डिजीज के कोई सिम्टम्स तो नहीं है। जो आपातकालीन परिस्थितियां हैं उनसे निपटने के लिए कि भविष्य में कोई इस तरीके का आउटब्रेक हो, तो उसके लिए हमने कई तैयारियां की हैं, जिनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। वार्ड्स बनाए हैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में, हमारे सिविल हॉस्पिटल में, CHCs, PHCs में, जिनकी क्षमता अभी कैपेसिटी 100 बेड्स की है।
तो 100 बेडेड आइसोलेशन वार्ड हमने तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे उन लोगों को भविष्य में रखा जाएगा जो कि इस वायरस के चपेट में आने की जिनकी संभावना है, जो इन फ्यूचर अगर इस तरह की कोई केसेस आते हैं तो उनको रखा जाएगा। साथ ही 1000 बेड की कैपेसिटी की क्वारंटाइन फैसिलिटी हम डेवलप कर रहे हैं। उस फैसिलिटी में उन लोगों को रखा जाएगा जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं, उनके आसपास के जो लोग हैं जिनके उस इन्फेक्शन में आने की संभावना होगी उनको क्वारंटाइन फैसिलिटी में रखेंगे। क्वारंटाइन फैसिलिटी का अभिप्राय ये है कि उनको बाकी समाज से अलग, बाकी लोगों से अलग कर दिया जाएगा ताकि वो और आगे ना फैले। तो जिन लोगों को कंफर्म हो जाएगा इन्फेक्शन उनको तो 100 बेडेड आइसोलेशन फैसिलिटी में, और जो संभावित होंगे, जो इन कंफर्म लोगों के आसपास रहे होंगे, उनको 1000 बेडेड क्वारंटाइन फैसिलिटी में रखा जाएगा। इन दोनों चीजों के लिए ADC करनाल नोडल ऑफिसर हमने लगाया है उनकी ड्यूटी, और वो जहां जहां पे ये वार्ड्स सेटअप हुए हैं उन वहां वहां जाकर के और तैयारियां देखेंगे। साथ ही हमने ये इंश्योर किया है कि जितने भी वेंटिलेटर्स हैं हमारे सफिशियंट नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स हों और वो वर्किंग कंडीशन में हो, ताकि कोई सीरियस पेशेंट आता है कोविड डिजीज का तो उसको हम ट्रीट कर सकें। साथ ही SDM करनाल को नोडल ऑफिसर लगाया गया है इंस्पेक्शंस और चेकिंग के बारे में। जो जैसा आप लोगों को मालूम है कि सैनिटाइजर्स को, जो मेडिसिंस हैं जो कोविड को ट्रीट करती हैं उनको, और जो मास्क हो उनको इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में शामिल कर लिया गया है। तो अब इन सारी चीजों की होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग एक इलीगल एक्टिविटी है, एक अपराध है। तो SDM करनाल को नोडल ऑफिसर लगा करके हम जगह जगह पे डिस्पेंसरीज पे, गोडाउन पे हम चेकिंग करेंगे, रेड्स इंस्पेक्शंस होंगे, और कोई भी अगर ऐसी कोई सूचना मिली कि कोई मास्क की या सैनिटाइजर्स की या मेडिसिन की होर्डिंग कर रहा है, ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, उसको जमा करके रख रहा है ताकि वो ऊंचे दाम पर बेच सके, या MRP से ज्यादा रेट पे ये चीजें कहीं बेची जा रही है तो वो भी एक अपराध है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में। तो ऐसी जगह पे छापा मार करके उन चीजों को सील किया जाएगा और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करके आगामी कार्रवाई एक्शन में लाई जाएगा। SDM इंद्री को हमने नोडल ऑफिसर लगाया है IEC एक्टिविटीज के लिए। तो इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए जितने भी कोरोना वायरस से बचने की डूज एंड डोंट्स हैं कि क्या करें क्या ना करें, उनके होर्डिंग्स वगैरह बना करके करनाल की जितने भी प्रोमिनेंट लोकेशंस हैं, चाहे वो बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है और बाकी जगह पे चौराहे हैं, वहां पे बैनर्स लगाए जाएंगे ताकि आम पब्लिक को, आम जनता को ये पता हो कि उन्हें प्रिकॉशन के पर्पज से क्या क्या कार्य करना चाहिए। हमने जितनी भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, कमर्शियल यूनिट्स हैं, इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हों, उनके साथ हमने SDM घरोंडा की ड्यूटी लगाई है कि उनकी मीटिंग करके और ये इंश्योर करें कि जिन सभी एस्टेब्लिशमेंट में 200 से ज्यादा कर्मचारी हैं वो सभी यूनिट्स आगामी आदेशों तक या 31 मार्च तक बंद रहेगी। तो अगर मान लीजिए मेरी एक फैक्ट्री है और मेरे 200 से ज्यादा लेबर है उसमें, तो या तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उसको बंद करूं या फिर मैं उनको शिफ्ट में चलाऊं ताकि एक शिफ्ट में 200 से ज्यादा लोग ना। तो ये हम आगे एंश्योर करेंगे और इसकी पूरी तरह से प्रशासन एनफोर्समेंट कराएगा। कोई भी अगर इसके इसी संदर्भ में धारा 144 भी आज शाम तक लगा दी जाएगी, अगर कोई भी इसकी वायलेशन करता हुआ नजर आया तो अकॉर्डिंगली उस पर आगामी कार्रवाई होगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.